अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम DHA की तरफ जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी कोई वीडियो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी सोसाइटी दिखाऊँ। ये देखिए, यहाँ हम रहते हैं और इतनी यहाँ ग्रीनरी है, बारिश के बाद तो और हरी भरी सी लगती है। देख के ठंडा ठंडा सा फील होता है, गर्मी फील ही नहीं होती। फिर हम पेट्रोल पम्प पर रुके, हमने सोचा क्यों ना गाड़ी की टंकी भी फुल करा लें, पेट्रोल होगा तो आगे जाएंगे। सो हमने पेट्रोल फुल करवाया और हमें यहीं पे काफ़ी लेट हो गया था। वहाँ DHA तक जाते जाते हमें रात हो गई। खैर, मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से कैप्चर कर सकूँ, हर चीज़ क्लियरली दिखा सकूँ, अपना बेस्ट दिया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। सो फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गए हैं और ये है DHA बहावलपुर। काफ़ी पुरसकून और अच्छी जगह है, इतना रेजिडेंस इतना नहीं है लेकिन आउटिंग के लिए बेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अंधेरा ज़्यादा हो गया है और यहाँ लाइटिंग भी बहुत कम थी, तो कोशिश की है कि मैं कैप्चर कर सकूं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकूं इसको। तो यहाँ हमें पार्क नज़र आया तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पहले चलें। सबसे पहले वहाँ झूले वगैरह नज़र आ रहे थे कि बच्चे इंजॉय कर लेंगे, तो हम उसी साइड पे हमने टर्न कर ली गाड़ी। सो हम पहुंच गए हैं यहाँ और बच्चों को बहुत ठंडी ठंडी फील हो रही थी, गाड़ी में एसी था थोड़ा पीछे हो जाना, दिखो तो ना, बाहर गर्मी थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, लाइट पीछे अंधेरा है। पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की। अहमद तो बाबा के साथ, अपने बाबा के साथ थे। नबिया तो अपने मामा के साथ, मैं यहाँ मामा के साथ। चलो गुड हो गया। ये पार्क है, यहाँ पे झूले भी थे और गैदरिंग भी अच्छी खासी थी, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हुआ हुआ था और बुरा साहब स्लाइड लेना चाह रहे थे, लेकिन बैड लक, स्लाइड जहाँ थी वहाँ सारा सामने पानी था और मैंने बुराक को मना कर दिया कि यहाँ स्लाइड नहीं लेनी, जो कि बुराक साहब को बुरा लग गया और वो नाराज़ हो गए। खैर, बुराक साहब को मनाना तो उनके बाबा का काम है, मुझे ये ट्रिक्स नहीं आती। बुराक को सिर्फ उसके बाबा ही मनाते हैं। सो उसको दूसरी साइड ले गए जहाँ पे और स्लाइड्स थी, वहाँ पे बुराक और बिया दोनों ने बहुत इंजॉय किया। तो हम पार्क से बाहर आ गए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो हम यहीं पे ही रुक गए थे और बाबा और बुराक से बोला कि आप गाड़ी यहीं पे ले आए, हमसे चला नहीं जा रहा था। नबिया बहुत थक गई थी। नहीं चल रही, एक झूला लिया, पसीने पसीने। ओ देखो गाड़ी आ गई हमारी, आ गई हमारी गाड़ी। चलो सबर का फल मीठा होता है। चलें जी, अब हम गाड़ी में बैठेंगे। चल सो पार्क की दूसरी तरफ कैफेटेरिया था, तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं कि शायद वहाँ पे कुछ खाने को भी अच्छा सा मिल जाए और बच्चे भी इंजॉय करें। सो हम उस तरफ चले गए।
करते। मेरा दीदी ना हमारे साथ तो रुको। फर्स्ट टाइम आई थी, पहले मैं नहीं आई डी एच ए, फर्स्ट टाइम आई थी। खैर अच्छा था, इंजॉय किया बच्चों ने, मज़ा आया बहुत। लें जी, इन बच्चों की जंपिंग यहाँ भी स्टार्ट हो गई, स्लाइड के बाद अभी जंपिंग की कमी थी, यहाँ भी ये दोनों शुरू हो गए। ये छोटा सा इनका ओपन एयर कैफेटेरिया भी था और सामने ट्रेन में भी था इनका कोई रेस्टोरेंट टाइप ना। नबिया आप मुझे ये बताएं ये क्या लिखा है यहाँ। वाओ, इधर आना बिया, मुझे ये बताएं ये क्या है। ये नूर महल है। वाओ जी बिया, मुझे आप ये बताएं कि ये क्या है। ये दरबार महल है। वाओ, Come here, Bichu. चलो भैया।
सो अब हम वापस घर की तरफ रवाना होने लगे हैं और बुराक साहब का मूड नहीं है वापस जाने का। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ वो गुस्सा कर रहा था कि क्यों जा रहे हैं वापस। काफ़ी देर हो चुकी थी, रात भी हो गई थी काफ़ी और बारिश का मौसम भी हो रहा था, तो हमने सोचा घर ही जाना चाहिए, तो हम घर की तरफ रवाना होने लगे थे। ठीक है उसको बैठने दो। हाँ जी, तो ये था DHA बहावलपुर। आपको कैसा लगा? मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि अच्छे से कैप्चर करके आपको दिखा सकूं। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। सो आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह अच्छी अच्छी और वीडियोज़ भी अपलोड करती रहूँ और अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करती रहूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।